इन फॉर विच टैन थीटा इज इक्वल टू हाफ, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड वाई इंटरसेप्ट इज -3/2। देखिए हमें गिवन क्या है, पहले पार्ट के लिए हमें गिवन है एम, गिवन है क्या टैन थीटा, ये कितना है हाफ, और क्या गिवन है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सी। सी कितना गिवन है हमें -3/2। तो इक्वेशन हमें लाइन की स्लोप गिवन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये क्या होती है, ये होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यानी क्या हो गया, देयर फोर वाई इज इक्वल टू एम एक्स, एम कितना है एम है हाफ, एक्स प्लस सी कितना है सी है -3/2। तो यहाँ से इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू एक्स -3/2, यानी क्या 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स -3, ये लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमें गिवन है x इंटरसेप्ट गिवन है, हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है स्लोप, स्लोप यानी m, m m कितना है हाफ, m क्या होता है tan थीटा, ठीक है, और एंड इसको मैं डिटेल में लिख देता हूँ, m यानी tan थीटा, tan थीटा कितना होता है गिवन है हमें हाफ, साथ में हमें x इंटरसेप्ट गिवन है, x इंटरसेप्ट ये है a, और ये कितना गिवन है हमारे को, ये हमारे को गिवन है 4। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप m एंड x इंटरसेप्ट a, ये क्या होती है, ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए। ठीक है, यानी क्या हो गया y इज इक्वल टू एम कितना है हमारे पास हाफ x माइनस 4, ये इक्वेशन हो गई। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, आप कैसे मर्जी लिख सकते हैं इसको।